जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था जो उस राज्य के राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बहुत चिकनी थी। दोस्तों एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों न एक रेस प्रतियोगिता करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले खंभे के ऊपरी हिस्से में चढ़ जाएगा वही विजेता माना जाएगा। दोस्तों रेस प्रतियोगिता का ऐलान किया गया। आसपास के तालाबों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुँचे। चारों तरफ भीड़ थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस प्रतियोगिता शुरू की गई, लेकिन उस धातु के चिकने खंभे को देखकर भीड़ में एकत्रित हुए किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई मेंढक खंभे के ऊपरी हिस्से तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे इस खंभे में चढ़ना बहुत कठिन है, ये रेस कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और यही हो भी रहा था, जो भी मेंढक खंभे में चढ़ने की कोशिश करता वह थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढकों ने दो तीन बार गिरने के बाद भी अपने प्रयास में लगे हुए थे, परंतु भीड़ तो अभी भी चिल्लाए ही जा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो गए, निराश हो गए और वो भी प्रयास करना छोड़ दिए। परंतु उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने के बावजूद भी उसी स्फूर्ति के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस प्रतियोगिता का विजेता बना। सभी मेंढकों को उसकी जीत पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढकों ने उसे घेर लिए और पूछने लगे, तुमने इस असंभव कार्य को कैसे पूरा किया? दोस्तों तब उस छोटे से मेंढक ने बताया कि जब आप लोग कह रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, क्योंकि हमें कम सुनाई देता है इसलिए हमें सुनाई दे रहा था, तुम यह कर सकते हो, तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। उसी आवाज़ से मुझे लक्ष्य प्राप्त करने की ताकत मिली और अंततः हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। दोस्तों हम सभी के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है, परंतु हमारे चारों तरफ फैले नकारात्मकता की वजह से अपने आप को कम आंकने लगते हैं और जो हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं उनको पूरा किए बिना ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे एवं ऐसे दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, तब हमें सफलता के शिखर में पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एवं चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में प्रेम से लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।